दूसरों के काम आते, गरीबों की मदद करते, पड़ोसियों का ख्याल रखते, जानवरों पर रहम फरमाते। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम उर्दू की बुक की रीडिंग करेंगे। सबक नेम है हमारे नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हमें जिंदगी गुजारने के तरीके बताने के लिए नबी भेजे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के नबी हैं। आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के एक मशहूर कबीला कुरैश में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला था। वो आपकी पैदाइश से चंद माह पहले वफात पा चुके थे। आपकी वालदा का नाम हजरत आमना था। आप अभी 6 साल के थे कि हजरत आमना भी वफात पा गईं। उसके बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुतलिब ने आपको पाला। दादा की वफात के बाद आपके चाचा हजरत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें बचपन ही से बहुत अच्छी थी। आपने कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं की। खाने को जो कुछ मिलता खा लेते, पहनने को जो मिलता पहन लेते। आपने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। जो वादा करते पूरा करते। आपने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोलते थे। इसलिए सादिक यानी सच्चे मशहूर थे। हमेशा दूसरों के काम आते, गरीबों की मदद करते, पड़ोसियों का ख्याल रखते, जानवरों पर रहम फरमाते। आप दुश्मनों पर भी रहम फरमाते, उनकी गलतियों को माफ फरमा कर अच्छा सलूक करते, नेक कामों और अच्छी आदतों की वजह से सब आपको पसंद करते थे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। बच्चों के पास से गुजरते तो अस्सलाम वालेकुम कहते, उनके सर पर शफकत से हाथ पैरते, उन्हें गोद में उठा लेते। सफर से वापस आते तो जो बच्चा राह में मिलता उसे अपनी सवारी में अपार
करो। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छी अच्छी वीडियो देखें एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।